दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना के अनुरूप पूरा प्रदेश में अपराधों के रोकथाम के लिए लाडली बहन सेवा का गठन किया गया है, जो अपने अपने क्षेत्र में हो रही अवैधानिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। यही नहीं, लाडली बहना सेना में शामिल हुई महिलाएं क्षेत्र में हो रही शराबखोरी, अवैध नशे के कारोबार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसी घटनाओं पर निगाह रखेंगे और पुलिस कर्मियों को सूचित भी करेंगे। इंदौर शहर के विभिन्न वार्डों में तैयार की गई लाडली बहना सी शामिल महिलाओं के साथ इंदौर पुलिस में विभिन्न क्षेत्रों में मार्च पास्ट निकला। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के एसीपी भूपेंद्र सिंह के निर्देशन में परदेशीपुरा क्षेत्र से भागीरथपुरा तक लाडली बहनों ने मार्च पास्ट किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसीपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि लाडली बहन सेवा में शामिल महिलाएं सामुदायिक पुलिसिंग का एक हिस्सा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे और अपने शहर को अपराध मुक्त करने में मदद भी करेंगे। जो रैली निकलने वाली, किस तरीके की ये पूरी रैली है और क्या इसका मूल उद्देश्य है? ये रैली जो है, इसका आयोजन लाडली बहना सेना जो गठन किया गया है हमने वार्ड 56 में, ये पुलिस विभाग के साथ यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं। ये रैली इसलिए निकाली जा रही है ताकि क्षेत्र में जो भी छेड़खानी या जो भी गतिविधियाँ जो अनुचित हो रही हैं उसको रोकने के लिए इनकी रैली निकालें, ताकि लोगों में ये जागरूकता आए कि यहाँ पे कोई भी गलत काम ना हो। ये लोग हमारी निगरानी कर रहे हैं और ये हमारी शिकायत पुलिस विभाग तक पहुँचा सकते हैं, उसको रोकने के लिए ये महिलाएँ यहाँ रैली निकाल रही हैं। और इन महिलाओं में भी एक तरह से अपने आप को ये भी सशक्त महसूस करेगी कि भाई हमको कुछ अधिकार दिए गए हैं लाडली बहना सेना के अंतर्गत, जिससे कि समाज के लोग पर इनका प्रभाव बना रहेगा। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं निसरीन हुसैन, पर्यवेक्षक ICDS शहरी 1 इंदौर। आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, एक रैली निकाल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप शहर के लोगों को? बस्ती में जो कमजोर वर्ग की महिला है उन सबको जागरूक करूंगी कि वो किसी भी तरह के जो भी अन्याय है वो उसे ना डरे। अब जो सेना का गठन किया गया है वो अकेली नहीं है, पूरी सेना की बहना उसके साथ है। हम किसी भी तरह का अपराध बस्ती में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे साथ पुलिस विभाग भी जुड़ा हुआ है। बच्चियों के साथ हो या किसी महिला के साथ जो भी सामाजिक शोषण या जिस भी शोषण की वो परेशान हो रही है उसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। पूरा मील क्षेत्र आता है, इसमें कई परिवार के लोग शराबखोरी भी करते हैं, तो बिल्कुल उसको रोकने के लिए आपने क्या तैयारी की? जी, हम पूरी सेना उस महिला की मदद करेंगे। जिस भी तरह से हमें सूचना मिलती है हम अपने पुलिस विभाग को वो सूचना पहुंचाएंगे और हमसे जितना बन सके हम उस महिला को उस सहयोग करेंगे। आपका नाम बताओ? मैं श्रीमती बरखा सोनने वार्ड 56 से आशा कार्यकर्ता हूँ और लाडली बहना सेना की पर्यवेक्षक। लक्ष्मी, लाडली बहना सेना जो है, जो हमारे साथ खड़ी हुई है, ये हमारे महिला पुलिस अधिकारियों के साथ अभी क्षेत्र में निकलेंगे और इसका उद्देश्य ये है कि एक तो नशा और जो अन्य जो सामाजिक अपराध हैं उन पर रोकथाम करने के लिए पुलिस और समाज के और सेना के ये लोग जो है वे मिलकर ये प्रयास करेंगे। और इनके मेन जो आज रैली है उसका मुख्य उद्देश्य है जागरूकता पैदा करना। सर, सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ रखा गया है? नहीं, ये तो अभी लाडली बहना सेना का है, ये तो इन्हीं के माध्यम से सीनियर सिटीजन की भी सेवा होगी। सर, इनके क्या क्या कार्य रहेंगे? अभी ये फील्ड में भी उतरने वाली है पूरी लाडली बहना सेना, तो हमारा जहाँ तक पुलिस का सवाल है वो है नशा मुक्ति के ऊपर। हमारी सबसे बड़ी अभी प्रायोरिटी है नशे पे प्रहार, तो उसमें चूंकि ये अंदर समाज के तौर पे जो काम कर रहे हैं ये, इससे हमें और ज़्यादा सहायता मिलेगी और हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। सामुदायिक पुलिस भी इस क्षेत्र में जारी है, ऐसे में इन महिलाओं का कितना सहयोग लिया जा रहा है? देखिए, पुलिस का टोटल जो कार्य है वो समाज के लिए है, तो समाज के जितने अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, उनसे जितना हम लोग मिलकर काम करेंगे उतना ही हमारी सफलता होगी। आपका परिचय? मैं सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा।